নমস্কার গাঁওসৰ জিলা খবৰ ষ্টুডিঅত ৰস্মিতা গোস্বামী আৰম্ভণি দিয়ে এটা ব্ৰেকিং নিউজ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বলবৎ হ'ব কা শীঘ্ৰে জাৰি হ'ব কাৰ অধিসূচনা স্পষ্ট ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সংখ্যালঘু আৰু মুছলমানক উচতনি দিয়াৰ অভিযোগ আনিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক দেশৰ আইন আখ্যা চহৰ আৰু কাক লৈ কোনো বিভ্ৰান্তি হ'ব নালাগে বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাৰ দ্বাৰা দিয়া হ'ব ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব কাৰ দ্বাৰা কৰ্তন কৰা নহয় নাগৰিকত্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ আফগানিস্তানৰ পৰা শৰণাৰ্থীক দিব নাগৰিকত্ব ধৰ্মীয় প্ৰতাৰণাৰ বলি শৰণাৰ্থীয়ে পাব ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব কাক লৈ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী কা কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে শ্বাহে দেশ বিভাজনৰ সময়ত কংগ্ৰেছে নাগৰিকত্বক অৰ্থাৎ শৰণাৰ্থীক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰিছে প্ৰতিশ্ৰুতি দিও কংগ্ৰেছে ধৰ্মীয় প্ৰতাৰণাৰ বলি হোৱা শৰণাৰ্থীক নাগৰিকত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ আনিছে আৰু সেই যি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল সেয়া এতিয়া বিজেপি চৰকাৰে দিব বিচাৰিছে আৰু সেইবাবে কা বলবৎ হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দেশত বলবৎ হ'ব কা এই স্পষ্ট ঘোষণা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আৰু লোকসভাত ৰাম মন্দিৰক লৈ অমিত শ্বাহৰ ভাষণ আমি পোনপটীয়া ভাষণৰ এই মজিয়ালৈ লৈ গৈছো ভাষণৰ સંતો નિહંગો અલગ અલગ સંગઠનો ઓર કાનૂન વિશેષજ્ઞો ને એ લડાઈ મેં યોગદાન દિયા હૈ મેં આજ એ 1528 સે 22 જનવરી 2024 તક કી સંપૂર્ણ કાનૂની और युद्धों की और आंदोलनों की लड़ाई को इस सभी योद्धाओं को बहुत विनम्रता से स्मरण करना चाहता हूं और उनकी लड़ाई जब आज समाप्त हुई है तब मुझे विश्वास है मान्यवर वो जहां भी होंगे बड़ी आनंद की अनुभूति करते होंगे अपनी श्रद्धा को चरितार्थ करने की अनुभूति करते होंगे गिलहरी के समान कई लोगों ने अपना योगदान दिया और मान्यवर ये राम सेतु जो बनना था 1528 से 22 जनवरी 2024 तक का इस सेतु का भूमि पूजन भी नरेंद्र मोदी जी ने किया और प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी के मान्यवर 1990 में जब ये आंदोलन ने गति पकड़ी उसके पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का ये देश की जनता को वादा था हमने पालमपुर कार्यकारिणी के अंदर हमने एक प्रस्ताव पारित कर कहा था कि राम मंदिर का निर्माण इसको कोई एक धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए ये देश की चेतना की पुनर्जागृति का आंदोलन है इसलिए हम राम जन्मभूमि को मुक्त कराकर कानूनी रूप से मुक्त कराकर वहां पर राम मंदिर की स्थापना करेंगे अब इस देश में प्रॉब्लम क्या है सर जब चुनाव में घोषणा पत्र में लेते हैं तो कहते हैं चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए लिया चुनावी वादा है ये भाजपा ऐसे ही वादे करती है 370 हो राम जन्मभूमि हो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो ट्रिपल तिलाक समाप्त करना हो अब ये कहते हैं आप ऐसे ही वादे करते हैं और ये वोट प्राप्त करने का जरिया होता है और जब हम इसको पूरा कर देते हैं तो बड़ी खिलाफत करते हैं मैं आज भी कहता हूं भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी मान्यवर जो बोलते हैं जो कहते हैं वो करते हैं हमारी पार्टी का चरित्र है और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है किस चीज का आक्रोश हम 1986 से कह रहे हैं कि हमारा भव्य राम मंदिर बनना चाहिए संवैधानिक तरीके से कुछ लोगों ने यहां पर और बाहर मीडिया के सामने प्रतिक्रिया व्यक्त की वो कानून की दुहाई देते हैं मैं उनको पूछना चाहता हूं कि मान्यवर क्या सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ के जजमेंट से आप वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो भारत के संविधान से वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो किसी ने अगर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर वहां पर मंदिर बनाया होता तो आप कुछ भी कह सकते थे मगर जब देश की सर्वोच्च अदालत के 5 जजों की खंडपीठ ने और जिसकी अध्यक्षता स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आने वाले 4 चीफ जस्टिस कर रहे थे
ऐसी महत्वपूर्ण बेंच ने जब ये निर्णय लिया तब आप कैसे कन्नी काट सकते हो। मान्यवर, निर्णय पसंद हो तो स्वीकार कर लेना, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना, और कोई निर्णय पसंद ना आए तो सुप्रीम कोर्ट के भी बड़ा बूढ़ा करना, ये ठीक नहीं है। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने आज पूरी दुनिया में भारत के पंथ निरपेक्ष चरित्र को उजागर किया है। दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां बहुमत समाज ने अपनी आस्था का निर्वहन करने के लिए इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। हमने राह देखी है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद वहां पर आज भव्य राम मंदिर बना है। मान्यवर, जो बोल रहे हैं उनको भी सब मालूम है कि क्यों बोल रहे हैं। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, हमारे गुजरात में एक कहावत है, हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। पूरा देश जब आनंद में डूबा है, पूरा देश आध्यात्मिक चेतना की जागृति का अनुभव हो रहा है, भैया स्वागत कर लो, साथ में जुड़ जाओ, इसी से देश का भी भला है और सबका भला है। मान्यवर, एक लंबी लड़ाई के बाद स्थगितता में पड़े हुए मामले को नरेंद्र मोदी जी ने एक युग परिवर्तन करने के लिए, जब मोदी जी को देश की जनता ने लंबे समय के बाद और कांग्रेस के बगैर किसी दल ने पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाना, तब से ये लड़ाई शुरू हुई। मान्यवर, 14 से 19 तक राम जन्मभूमि मंदिर की लड़ाई चली, उसका ट्रांसलेशन हुआ, सालों लगे, लाखों पेज का अनुवाद हुआ, अनुवाद होकर कोर्ट के सामने गया, बीच में चुनाव आ गया, कोर्ट ने माना कि चुनाव के वक्त फैसला देंगे तो इसको शायद अलग दृष्टि से देखा जाएगा, कोई बात नहीं। चुनाव के बाद फिर से मोदी जी आ गए और फिर केस चला, और अंततो गत्वा जब कोर्ट ने न्याय किया तब 5 अगस्त 2020 को 19 को मोदी जी ने इसकी नींव रखकर इसकी शुरुआत। मान्यवर, ये जो 20 से 24 की यात्रा है, वो 20 से 24 की यात्रा भी समझनी चाहिए। राम जन्मभूमि का आंदोलन ऐसे ही नहीं चला, इसके साथ हर गांव, हर घर में, हर करोड़ों राम भक्त, अनेक संगठन, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत घर घर गए, शिला लेकर गए, पूजा की, और वो पत्थर को राम मंदिर की शिला बनाकर अयोध्या तक पहुंचाने का काम। करोड़ों लोगों ने अपनी श्रद्धा, अपनी इच्छा संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अयोध्या पहुंचाई, और सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दे दिया, निर्णय दे दिया, तब जाकर राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई। अडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या यात्रा भी की, और इसके साथ साथ निहंगों ने शुरू करी हुई लड़ाई, अशोक सिंघल जी जो चरम सीमा पर ले गए थे, अडवाणी जी ने जन जागृति की, और मोदी जी ने जन आकांक्षा की पूर्ति कर एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण कर दिया। मान्यवर, ये पूरा पूरा आंदोलन, मान्यवर, जब भी दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा, एक डेमोक्रेटिक वैल्यू के रूप में देखा जाएगा कि कोई एक देश अपने बहुमती समाज की धार्मिक विश्वास की पूर्ति के लिए इतने समय धैर्य रखकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाता रहे, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसकी पूर्ति हो। मान्यवर, ये बहुत बड़ी बात है, और मैं मानता हूं, मान्यवर, कि ये मोदी जी के नेतृत्व के बगैर संभव नहीं था। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तब, और जब जजमेंट आया तब, कई लोग आगाज लगा रहे थे, कई लोग अनुमान कर रहे थे, इस देश में रक्तपात हो जाएगा, इस देश में दंगे हो जाएंगे, इस देश में धर्म धर्म के बीच में बड़े विखवाद होंगे। मगर मैं आज इस सदन को कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री, कोर्ट के जजमेंट को भी जय पराजय की जगह सबकी मान्य
न्यायालय के आदेश में परिवर्तित करने का काम मोदी जी के दूरदर्शी विचार ने, और उसके बाद जब समय आया, निर्माण के बाद जब समय आया, मान्यवर उनको न्योता मिला कि वो आकर भूमि पूजन करें। 130 करोड़ की जनता के वो जनप्रतिनिधि हैं। न्यास ने उनको नेतृत्व करने का, जनता का प्रतिनिधि के नाते जब मौका दिया शिलान्यास करने का, तब मोदी जी के जो पूरा आचरण है इसको ध्यान से देखना चाहिए मान्यवर। वो आचरण आने वाले अनेक सैकड़ों सालों तक दुनिया के सामने रहेगा और दुनिया के सामने इससे कई लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी मान्यवर। हम सब ने आचार्य गोविंद देव गिरी जी ने जो वक्तव्य दिया वो सुना है। मोदी जी को जब मौका मिला तब उन्होंने रामानंदी समाज के संप्रदाय के और वैष्णव संतों से पूछा कि भाई प्राण प्रतिष्ठा करनी है, किसी संसारी ने करनी है तो इसके यम नियम, इसके लिए किस प्रकार की उपासना करनी चाहिए, और जो संतों की ओर से सुझाएगा उससे भी अनेक गुना कठोर 11 दिन का व्रत इस देश के प्रधानमंत्री मान्यवर 11 दिन तक सैया पर नहीं सोना, 11 दिन तक केवल नारियल पानी के साथ उपवास करना, 11 दिन तक पूरा समय राममय राम भक्ति में रचे बसे रहना और पूरे जीवन की उस वक्त की हर सांस को राम के साथ जोड़कर राममय बनकर प्राण प्रतिष्ठा करना मान्यवर। ये 11 दिन में मां सबरी, गिलहरी, वानर, भालू, जटायु, ये सब के साथ जुड़े हुए देश भर में जो राम के स्थान थे वहां जाकर राम के काज के लिए गिलहरी जैसा भी योगदान देने वालों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने का काम इस प्रधानमंत्री ने। राम मंदिर का जब भूमि पूजन का समय आया कोई पॉलिटिकल नारे नहीं लगाए, ना मोदी जी ने इसका नेतृत्व पॉलिटिकली किया, ना हमारी पार्टी ने किया। हर रोज एक राम का भजन अलग अलग भाषा में ट्वीट कर एक भक्ति का आंदोलन शुरू किया मान्यवर। इस देश में कई सारे भक्ति के आंदोलन खड़े हुए हैं, ढेर सारे आंदोलन खड़े हुए मान्यवर। इस देश में भक्ति का आंदोलन कोई नया नहीं है मान्यवर। मीरा ने चलाया, गुजरात में नरसिंह मेहता ने चलाया, रामानंद ने चलाया, एकनाथ और ज्ञानेश्वर ने चलाया, शंकरदेव और माधवदेव ने असम में चलाया, चैतन्य महाप्रभु ने चलाया, समर्थ रामदास ने चलाया। ये सब भक्ति आंदोलन ने समय समय पर देश को मजबूत करने का काम किया है, सनातन धर्म को टिकाने का काम किया है और सनातन धर्म के प्रति सबकी आस्था को बंधाने का। घनघोर अंधेरी रात में एक ध्रुव तारे की तरह ये भक्ति आंदोलन ने देश के जनमानस का नेतृत्व किया। भारत के ही छोर में 10 सिख गुरुओं ने अनेक प्रकार के बलिदान, एक दशम पिता ने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया, इस प्रकार के त्याग की भी इस देश की परंपरा रही। परंतु ये समग्र भारत के हजारों साल लंबे सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में एक शासक ने, एक जनता के व्यक्ति ने, एक जनता के प्रतिनिधि ने अपने यम नियम तप और उपासना से भक्ति चेतना की जागृति की तो इसका एकमात्र घटना नरेंद्र मोदी जी ने। और मैं तो स्वयं अनुभव कर रहा हूं, मैं उस दिन बैठा था लक्ष्मीनारायण मंदिर में, दिल्ली में बिरला मंदिर में, जो जनता थी, जो लोग थे, सबकी आंखों में आंसू थे, पूरा देश राममय हो गया था और जय श्री राम के नारे लगा रहा। मान्यवर मोदी जी ने बड़ी शालीनता के साथ विजय के पराजय के कोई भाव के बगैर जय श्री राम के युद्ध के नारों से पूरी दुनिया जानती है। जय श्री राम, श्री राम की वानर सेना का युद्ध का घोष था, पूरी दुनिया जानती है। जय संघर्ष चला तब जय श्री राम चला और मंदिर बना तो जय सिया राम हो गया। संघर्ष से भक्ति की यात्रा पूरे देश को, पूरे
पूरे देश को आगे ले जाने वाली यात्रा है। माननीय इतने चेतनामय वातावरण के अंदर भी विभाजन की बात करने वाले लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है, समय को पहचानो, एकता के संदेश को स्वीकारो और आगे देखकर चलना शुरू करो, भारत की और हम सब की भलाई। माननीय, ये बहुत बड़ा संदेश मोदी जी ने दिया है और मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूँ, जिसने संन्यास नहीं लिया है, जो सन्यासी नहीं है, जो किसी पंथ संप्रदाय का उपदेशक नहीं है, ऐसा व्यक्ति और जो देश का शासक है, प्रधानमंत्री है, प्रधान सेवक है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना, भक्ति की चेतना करेंगे, ये दुनिया में ऐसी मिसाल शायद ही कहीं नहीं मिली। माननीय, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, इस सदन में खड़े होकर गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि मोदी जी मेरे नेता है, मेरे पार्टी के नेता है, मेरे पार्टी के प्रमुख नेता है। माननीय, मोदी जी ने एक ऐसा नेतृत्व दिया जिसने अनेक समय पर नेतृत्व के गुण क्या होते हैं इसका परिचय देने का काम किया, अच्छे समय में भी किस प्रकार से संयम रखना चाहिए इसका एक उदाहरण स्थापित करने का काम किया और हर समय पर निर्भयता के साथ संवेदनशील, सजग और जन भावनाओं को समर्पित नेतृत्व कैसा होता है इसका उदाहरण दिया। इनके 10 साल के कालखंड के अंदर अनेक प्रकार के पड़ाव आए हैं, मानो ये भी राम जन्मभूमि के आंदोलन जैसे ही पड़ाव रहे हैं, क्योंकि जो गड्ढा ये खोद कर गए थे वो गड्ढे को भरकर उसमें महान भारत की इमारत बनाना, ये राम मंदिर की यात्रा से कोई कम यात्रा नहीं है। माननीय, सबसे पहले मैं कहता हूं कि जो आर्थिक क्षेत्र के अंदर जो बदहाली करी थी, जो पॉलिसी पैरालिसिस वाली गवर्नमेंट थी, सैकड़ों पॉलिसियां बनकर आज 11वें नंबर से 5वें नंबर पर हमारे अर्थतंत्र को ले जाकर एक नीति के आधार पर चलने वाला राज्य, नीति के बनाने वाले नेता कैसा होता है उसका उदाहरण दिया। कोविड आया तो भयभीत होए बगैर सरकार की मशीनरी कम पड़ जाएगी, जब तक आंदोलन पूरा देश नहीं लड़ेगा इससे हम नहीं लड़ पाएंगे, वो जानते हुए एक मोर्चे पर वैक्सीन का इनोवेशन का काम चालू रहा, दूसरे मोर्चे पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन का काम चालू रहा, तीसरे मोर्चे पर हर गरीब के घर में अनाज पहुंचाने का काम चालू रहा, चौथे मोर्चे पर जो कोविड के दर्दियों की शुश्रूषा कर रहे थे उनका नेतृत्व करने का काम चालू रहा, और पांचवें मौके पर जनता कर्फ्यू, दिया जलाना, थाली बजाना, हंसने वाले आज रोड पर घूमते हो गए, उनको मालूम नहीं है पूरी दुनिया मोदी जी के संवेदनशील और समग्रता से भरे हुए नेतृत्व को आज स्वीकार। मान्यवर, यही समय में कोविड का पड़कार भी आया, यही समय में 62 की तरह चीन ने अपना मुंह दिखाना शुरू किया, दृढ़ता के साथ नेतृत्व छाती सीना तान कर खड़ा रहा हिंदुस्तान की एक इंच जमीन में। कई बार हुआ था इसी समय में पूंछ और पुलवामा में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर नेतृत्व की वीरता का भी परिचय दिया और घर में घुसकर जवाब देने का काम किया। हजारों बच्चों जब परीक्षा के वक्त आत्महत्या करते थे, ट्रेस में आते थे, मनोरोग के शिकार बनने थे, एक पिता की तरह एक प्रजावात्सल नेतृत्व का परिचय देते हुए प्रजा परीक्षा पे चर्चा की भी बात, और जब मौका राम मंदिर का आया तब एक सन्यासी की तरह, एक भक्त की तरह गौरवपूर्ण तरीके से अध्यात्म को जागरूक करते हुए आध्यात्मिक चेतना का जागरण करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं इसलिए कहता हूं कि बहुत लंबे समय से इस देश को ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी, 68 साल तक देश ऐसे नेतृत्व में भटकता रहा, लटकता रहा, 130 करोड़ की जनता ने मोदी जी को चुनकर एक सर्वगुण संपन्न नेता को चुनकर देश की सभी चुनौतियों को समाप्त किया। माननीय, मैं आज
आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूं, ये राम मंदिर का निर्माण और राम मंदिर में रामलला की बाल प्रतिमा मनोहरी